इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मंगलसूत्र। मैं चाहता हूं कि तुम वहां रहो ताकि पुलिस जब रेड करे तो तुम्हें इस बात का एहसास रहे कि रितिका के कहने पर पुलिस किस हद तक जा सकती है, किस हद तक राकेश को तलाश कर सकती है। पुलिस के लाख कोशिशों के बावजूद तुम्हें क्या लगता है, सुंदरलाल पुलिस के हाथ में आएगा? हरगिज नहीं। सुंदरलाल आपकी नजर में मुजरिम होगा, लेकिन मेरी नजर में वो बेगुनाह है। अब एक ही रास्ता बचता है कि शहर में उसका दाखिला करवाया जाए। पर सवाल ये उठता है कि शहर में रहेगी कहाँ? अरे मामा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पुलिस आपके पीछे पड़ गई है, जगह जगह आपको तलाश कर रही है, क्या हुआ क्या? Fantastic. अब आया है सब कुछ हाथ में। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ शारदा, जैसे जैसे मानस के इस केस को मैं स्टडी कर रहा हूँ और जो भी रिपोर्ट्स मेरे सामने आ रही हैं, अब लगता है कि केस जो है ये मेरी मेरी मुट्ठी में है। मानस के खिलाफ जो भी सबूत पेश किए गए थे ना, उन सब की तोड़ मेरे पास मौजूद है। Yes. और ये मीडिया के थ्रू जो खबरें आ रही हैं, उसमें भी तो यही कह रहे हैं ना कि मानस को बेगुनाह साबित करने के लिए सीबीआई के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है अभी तक। जब पुख्ता सबूत है ही नहीं तो सबूत जमा कैसे कर पाएगी? हकीकत तो यही है ना कि मानस बेगुनाह है। गुलशन शाह और उसके लोगों ने मानस को कानून के जाल में फंसाने के लिए जाल तो बहुत अच्छा बना था, लेकिन झूठ आखिर झूठ होता है। अब बस इंतजार है मुझे कि गुलशन शाह गिरफ्तार हो जाए। एक बार अगर वो गिरफ्तार हो जाता है तो ये मामला सुलझ जाएगा, देखना तुम। अब गुलशन शाह की तो तलाश जा रही है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि मानस पर जो सबसे बड़ा आरोप है वो है शमशेर के कत्ल का। हाँ, वो मानस के खिलाफ गवाही देने वाला था और इसलिए मानस ने उसे मरवा दिया, यही कहते हैं ना? फिर शमशेर के मोबाइल पे जो वीडियो मिला था उसमें उसने खुद तो इस बात को कबूल भी किया है। हाँ शारदा, बस वही एक सबूत है जिसने मुझे उलझा के रख दिया है, क्योंकि शमशेर की रिकॉर्डिंग को झूठा साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। खैर देखते हैं। हेलो। हाँ साहब जी, शेर सिंह बोल रहा हूँ। मैं आज ही हरियाणा से आया हूँ और आपसे मिलना चाहूँ। लेकिन क्यों मिलना चाहते हो? साहब जी, मैं कतई नहीं चाहता कि मेरे भाई के कत्ल के जुर्म में कोई बेगुनाह फांसी पर चढ़ जावे और मेरे भाई के कातिल आजाद घूमते रहे। तुम्हें पता है कि शमशेर का कत्ल किसने किया था? हाँ साहब जी, उसी के साथियों ने मारा है जी उसे। इस बात के मेरे पास में पक्का सबूत है, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है जी, क्योंकि मैं जानता हूं कि यो केस आप ही लड़ रहे हो और इसीलिए मैं आपसे मिलना भी चाहूं हूं। कहां तुम, कब मिल सकते हैं? साहब जी, कहां पे आना है मन्ने? मेरे घर पे। ठीक है साहब जी, मैं घनी जल्दी आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। राम राम जी। मानस को बेल जरूर होगी,
जरूर होगी। बड़े पापा, देखिए बड़े पापा अखबार में क्या छपा है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या छपा बेटा? इसमें लिखा है कि सीबीआई वालों को हमारे चैनल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और आज तक जो सबूत लेकर चल रहे थे सब गलत निकले। देखिए। अरे बेटा, ये तो एक ना एक दिन होना ही था। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दंगों के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं था, ना ही हमारे चैनल का। फिर हमारे खिलाफ सबूत कहाँ से ढूंढते हो? लेकिन साजिश करके हमारे चैनल को तो बंद कराया जा चुका है और बदनामी का एक दाग भी हमारे नाम पर लग चुका है। नहीं माँ, इसे बदनामी नहीं कहते। कानून ने अभी तक हमारे चैनल को और मानस भैया को गुनहगार नहीं ठहराया है और जो भी छोटी मोटी गलतफहमी हुई है वो भी जल्द ही दूर हो जाएगी। देखो सुजाता, हमारे चैनल के खिलाफ साजिश रची गई थी लेकिन वो साजिश अब नाकाम हो चुकी है क्योंकि सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला। सबूत मिलता भी कैसे जबकि हमने कुछ किया नहीं था। लेकिन जिसने ये साजिश रची थी वो कानून के हाथों से ज्यादा देर दूर नहीं रह पाएगा। हमारे चैनल के खिलाफ तो उनको कोई सबूत नहीं मिला और गुलशन शाह की गिरफ्तारी के बाद वो सारी बातें सामने आ जाएगी जो अभी तक छुपी हुई थी और सबको पता चल जाएगा कि इन दंगों के पीछे गुलशन शाह का हाथ था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सच्चाई सामने तो आई लेकिन जिसने हमारे लिए एक बार साजिश रची वो इस साजिश को दोबारा भी अंजाम दे सकता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सच्चाई सामने तो आई लेकिन जिसने हमारे लिए एक बार साजिश रची वो इस साजिश को दोबारा भी अंजाम दे सकता है और जब तक रितिका इस घर में है हम सब उसके दुश्मन हैं। लगता है इस घर की तकदीर में सिर्फ लड़ाई लड़ना ही लिखा है। फिर चाहे हार हो या जीत राम राम साहब जी। भाई नमस्कार साहब जी, मैं शेर सिंह, अभी थोड़ी देर पहले फोन पर बातचीत हुई। हाँ हाँ, शमशेर के भाई। हाँ जी। हाँ बैठो। ना सर, मैं यहीं बैठ जाऊँ। अरे बैठो ना यार। साहब जी, मैं आपके साथ में कैसे बैठ सकता हूँ, छोटा मोटा आदमी हूँ मैं तो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, बैठो। चाय पियो। ना ना साहब, मैं चाय ना पीऊँगा। अरे लो ना यार, लो, बैठोगे नहीं चाय नहीं पियोगे ऐसा थोड़ी होता। शेर सिंह, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास इस बात का सबूत है कि तुम्हारे भाई शमशेर सिंह का कत्ल उसी के साथियों ने किया था। हाँ जी साहब जी, इस बात के पक्का सबूत है जी मेरे दौरे। कैसा सबूत? साहब जी, शमशेर सिंह ने मुझे फोन किया था और मैंने उसकी सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी। उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में अब भी आएगी जी। शेर सिंह, उस रिकॉर्डिंग में शमशेर ने क्या कहा था? साहब जी, उन लोगों ने शमशेर सिंह के मोबाइल में उसके बयान की रिकॉर्डिंग कराई थी जी और उससे ये कहलवाया था कि शहर में दंगे भड़काने वाला और कोई नहीं है जी,
बल्कि मानस है और उसने पुलिस के दबाव में आके गुलशन शाह का नाम ले लिया था जी। वो रिकॉर्डिंग पुलिस को मिल चुकी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शमशेर ने ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों की जिसमें सारे इल्जाम मानस पर डाल दिए गए। ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए करवाई थी कि ये बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस के पास भेजी जाएगी जी, और बाद में शमशेर सिंह को कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर भेज देंगे जी वो लोग। अच्छा 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 अच्छा, ये सारी बातें शमशेर सिंह ने मुझे खुद बताई थी जी, जो मेरे मोबाइल में अभी रिकॉर्डेड है। इससे तो साफ जाहिर हो जाता जी, शमशेर सिंह मानस के लिए काम नहीं करता था जी, और ना ही मानस ने उसका खून किया जी। सचमुच ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये मानस को बेगुनाह साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा सबूत बन सकता है। साहब जी, इस रिकॉर्डिंग में एक ही बात है जी, शमशेर सिंह ने उस आदमी का नाम नहीं लिया जिसके लिए वो काम करता था जी। अच्छा, शमशेर सिंह, इस रिकॉर्डिंग के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। मैं जानता हूं साहब जी, लो ये रिकॉर्डिंग आप खुद ही सुन लो जी। लो जी, कैसे भैया आप? देख ही रहे हो, क्या कहूं कैसा हूं। जब से मालूम पड़ा कि आप वापस आ गए, तब से मैं आपसे मिलने की सोच रहा था बस। मामा जी ने तो तुम्हें बताया ही होगा कि मैं कैसे छुप छुप के जी रहा हूं। रितिका ने मुझे ढूंढने और गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया है। मैं समझता हूं भैया, लेकिन आपको किसी भी हालत में गिरफ्तार नहीं होना है। मैं जानता हूं राहुल, अब तक तो मैंने अपने आप को छुपा रखा है, लेकिन कानून से मैं कब तक भागता फिरूंगा, कब तक अपने आप को छुपा कर रखूंगा। जब तक मामा जी नहीं मिले थे ना, मेरी हालत बहुत खराब थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मामा जी को फोन कर लिया, तब से मेरी हालत थोड़ी सुधर गई है, और मेरे छुपने का भी बंदोबस्त उन्होंने ही किया है। आप ठीक कह रहे हैं भैया, रिद्धिका को इस बात का शक है, तभी उसने शायद मामा जी की गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है। राहुल, तुम जानते हो कि मैं अपने घर वालों से दूर क्यों हूं? मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे पता था जिस दिन रितिका को मेरे बारे में पता चलेगा ना, तो वो मेरे घर वालों पर कहर ढा देगी, और तुम जानते हो कि वो अब बहुत ताकतवर हो चुकी है। भैया, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि रितिका भाभी। भाभी मत कहना उसे, उससे कोई भी रिश्ता रखने की जरूरत नहीं। उससे कोई भी रिश्ता रखने से अच्छा किसी जहरीले सांप को दूध पिला दो। अरे नफरत करता हूं मैं उससे, नफरत। मैंने उसे घर दिया, उसने मुझे क्या दिया? जेल। मैंने उसे पत्नी का ओहदा दिया, और उसने मुझे फांसी का फंदा दिया।
अरे मैंने उसके गले में मंगलसूत्र पहनाकर उससे सारे रिश्ते जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे गले में फांसी का फंदा डालकर इस दुनिया से सारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की। नफरत करता हूं मैं उससे, नफरत। यह हकीकत जानने के बाद अब नफरत तो मैं भी करता हूं भैया उससे। फिर तुम्हारे मुंह से यह भाभी शब्द कैसे निकला? हां, वो औरत सिर्फ नफरत के लायक है। देखो राहुल, मैं तुमसे यह सब इसलिए कह रहा हूं ताकि कल जब मैं गिरफ्तार हूं तुम मुझे बेगुनाह साबित कर सको, उस बेवफा औरत को जाकर तुम सबक सिखा सको। उसके आंख से जितने आंसू गिरेंगे उतना मेरे दिल को सुकून मिलेगा। ऐसा ही होगा भैया, ऐसा ही होगा। मैं निकलता हूँ राहुल, अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ भैया, अपना ख्याल रख। आप जो चाहते थे मामा जी वो मैंने कर दिया। राहुल के दिमाग में जो जहर भरना था वो मैंने भर दिया। क्या हुआ, कुछ बताया श्रीधर चाचा ने? कुछ न बताया, वैसे ही दुखी हैं बेचारे, अब तो अर्जुन का नाम तक नहीं सुनना चाहते। वो अर्जुन जिसकी श्रीधर चाचा और अंजना चाची ने इतनी सेवा करी, इतनी देखभाल करी, वो भला कैसे बदल सकता है? और अगर सच में वो बदल गया है तो क्या वो मुझे भी पहचानने से इनकार कर देगा? मैं भी तो तुम्हारी इतनी देखभाल करते करते खुद को तुम्हारे इतने करीब समझने लगी थी। हरदम किस सोच में डूबे रहते हो तुम? तुम जानती हो कि मैं क्या सोचता रहता हूं। इसी बात का तो रोना है कि तुम हरदम सोचते रहते हो। अब अपनी सोचों से बाहर निकलने की कोशिश करो अर्जुन। और वैसे भी अब तुम ठीक ठाक हो चुके हो, भले चंगे हो चुके हो। वैसे भी अब तुम ठीक ठाक हो चुके हो, भले चंगे हो चुके हो। दिमाग एक ही जगह चल रहा है, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, आखिर वो लोग कौन थे जो मुझे मारना चाहते थे? वक्त आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा। लो चाय पियो। तुम्हें पता है, तुम्हें इस तरह उदास देखकर श्रीधर चाचा और अंजना चाची भी कितने उदास रहते हैं। कुछ और नहीं तो कम से कम उनकी खुशी के लिए मुस्कुरा दिया करो। अब क्या तुम्हें मुस्कुराने के लिए मैं चुटकुले सुनाऊं? ये हुई ना बात। वैसे एक बात कहूं, मुस्कुराते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैंने सुना है कि तुम्हारा चेहरा बदल गया है, पर क्या तुम्हारे चेहरे के साथ तुम भी बदल गए हो? क्या तुम्हारी सोच, तुम्हारा दिल भी बदल गया है? मैं तुमसे जरूर मिलूंगी अर्जुन, जरूर मिलूंगी, और देखूंगी कि क्या तुम मुझे पहचानते भी हो या नहीं। लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? बढ़िए जी।
ऑफिसर, मैं इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि इस केस ने अजीब सा यू टर्न ले लिया है। मेरे साथ साथ पूरा शहर हैरान है इस बात से कि गुलशन शाह जिंदा है। ये बात तो अब तक साबित हो चुकी है और अब तो इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ ऑफिसर, फिलहाल तो गुलशन शाह को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, सीबीआई की। अच्छा, मैं आपसे ये बात करने आई थी कि फिलहाल गुलशन शाह इसी शहर में है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो प्रशासन को धोखा देकर किसी और जगह पर भाग जाए, किसी और शहर में भाग जाए। उसकी ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है क्योंकि हम यहाँ आग बन के नहीं बैठे हैं। और एक बात और हमारे सामने आ चुकी है कि गुलशन शाह इसी शहर में है और इसी शहर में कहीं छुपा हुआ है। उसने अपने आप को अंडरग्राउंड कर रखा है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले 24 घंटे के अंदर गुलशन शाह हमारी कस्टडी में होगा। थैंक्स ऑफिसर, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। ये नई बात सामने आने के बाद शहर में जो हलचल हुई है, इस हलचल पर भी हमारी पूरी नजर है। अच्छा, तो यस सर, एक खास खबर है गुलशन शाह के बारे में। यस सर, परेशान होने की जरूरत नहीं, गुलशन शाह का पता लग गया। यस सर, वो पनवेल के पास कलमबोली में है और हमने उस जगह का एड्रेस भी निकाल लिया है। तो फिर देर करने का कोई मतलब नहीं, तुरंत रेड करने की तैयारी कीजिए। यस सर। मैंने आपसे कहा था कि 24 घंटे के अंदर गुलशन शाह हमारी कस्टडी में होगा। वेल ऑफिसर, इतनी जल्दी आपने गुलशन शाह का पता लगा लिया, उसके लिए बधाई। वेल डन।